जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें आप सबों के विशेष मांग पर क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग देखिए, करें कक्षा 10 विषय हिंदी भी, समय 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक कितना है 40 मिनट का। अब इसमें से कुछ गद्यांश दिया हुआ है, करें खंड का अपठित बोध, करें जिनके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है वह प्राप्त कर लेता है, प्रकृति हमें धीरे धारण करने की सीख देती है, धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है, जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं मैं वे वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति का चरितार्थ करते हैं, सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं, शांत मन में किसी काम को करने में कम समय लगता है, बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है, संसार के सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं, यदि कोई रोगी डॉक्टर से दवाई लेने के तुरंत पश्चात पूर्णतया स्वस्थ होने की कामना करता है तो यह उसकी नितांत मूर्खता है, वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्ति तो समय पर ही होगी। कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होता, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होत। जब सब कार्यों का समय निश्चित है तो अधीर होने की क्या आवश्यकता है, मतलब हमको धैर्य रखना चाहिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के द्वार जीवन में कौन खोलता है, तो इच्छा, विवेक, आशा और धैर्य लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है, तो धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कर अधीर मन गति कम के प्राचीन लोकोक्ति में कौन चरितार्थ होते हैं, जो धैर्य से काम करते हैं, जो जल्दी करो के रट लगाते हैं, जो परिश्रम से कार्य करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा जो जल्दी करो के रट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर गद्यांश में आए दोहे का भावार्थ है क्या परिश्रम का फल कभी नहीं मिलता, परिश्रम और परिणाम का कोई संबंध नहीं है, परिश्रम का फल समय आने पर ही मिलता है, तो इसका उपयुक्त आंसर होगा सी नंबर, परिश्रम का फल समय आने पर ही मिलता है। अब नेक्स्ट नंबर है, किसी काम को करने में कम समय लगता है जब काम किया जाता है चंचल मन से, उद्विग्न मन से, शोर करने से, शांत मन से। नेक्स्ट है, इसका ध्यान के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो धैर्य का महत्व, अनुशासन का महत्व, पर उपदेश कुशल बहुत, परिश्रम का महत्व, धैर्य का महत्व। फिर इसमें दिया हुआ है कुछ कविता का सारांश। अब इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लोग निंदित क्रम क्यों करते हैं। इसमें ऑप्शन है, दूसरे को सताने के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, दूसरे को पीड़ा छोड़ने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। नेक्स्ट है, काम करते हुए लोग प्रायः डरते हैं किससे, शत्रुओं से, विघ्न बाधाओं से, क्षुद्र स्वार्थों से, सहायता न मिलने से, तो होगा इनका विघ्न बाधाओं से। नेक्स्ट है, कोई देश हमारे देश में समता नहीं कर सकता क्योंकि हमारा देश क्या है, विशाल, शक्तिशाली, संपन्न, महिमावान है। नेक्स्ट है, जग की हम तो भीख ना लेंगे कि क्या भाव है, हम आश्रित हैं, हम कमजोर हैं, हम आलसी हैं, हम स्वाभिमानी हैं। नेक्स्ट है, कविता में भारत की विशेषण नहीं है, महिमामय है, गर्हित है, उत्कर्ष में है, पुण्य भूमि नहीं है। खंड खाद या व्याकरण, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, प्रवचन में प्र प्लस वचन, यानी कि इसका उपसर्ग हमारा क्या है, प्र। ससुराल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ससुराल में ससुर प्लस आल, ससुराल मतलब आल इसमें आएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इति जोड़ आदि होगा इसका। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है।
परोपकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अनुसंधि? तो गुण संधि। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। नेक और मददगार मतलब विशेषण पदबंध है ये। नीरस के विलोम शब्द क्या है? रसीला, सरस, वीरस, अरस, सरस। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंक मने कीचड़ होता, आतंक नहीं होगा। तिमिर मने अंधेरा होता है, तिमिर होगा। फिर खंड गा में करे निर्देश प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19-23 के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब फिर कुछ हमारा कविता का कुछ पंक्ति दिए हुए हैं, इसमें से पढ़ना हमको। आप कह रहे इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है? तो वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु का। पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवृत्त करते वेश। कौन अपना वेश पल पल बदल रहे थे? ऋतु, प्रकृति, जल, दर्पण, प्रकृति। पर्वत दूर में सॉरी दूर से देखने पर कैसे लगते हैं? धनुषाकार, मेखलाकार, वृत्ताकार, आयताकार, मेखलाकार। नेक्स्ट है पर्वत अपनी कैसी आंखों से जल में अपने रूप को निहार रहे हैं? तो काजल लगी आंखों से, नीली लगी आंखों से, फूल रूपी आंखों से, और है बड़ी बड़ी आंखों से। तो इसका होगा बड़ी बड़ी आंखों से। दर्पण सा फैला विशाल पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? तो उपमा है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। कस्तूरी कुंडल बसेम इष्टराखी में किस बात पर बल दिया गया कि ईश्वर मन में ही है, ईश्वर वन में है, ईश्वर भवन में है, ईश्वर आकाश में? ईश्वर मन में है। साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया? परेशानी दूर करने वाला व्यक्ति। खाने और सोने में व्यस्त संसार, बी नंबर। हमें निंदा करने वाले की निंदा भरी बातें सुनकर क्या करना चाहिए? परेशान होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उन पर क्रोध करना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनने को उपाय करना चाहिए, डी नंबर। हम घर जालिया अपना लिया मुराडा हाथी, इसमें मुराडा को किसका प्रतीक बताया गया? आत्मज्ञान का। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया? रतिदेव ने, उसी नर के राजा शिवि ने, प्रहलाद ने, राजा ने, उसी नर के राजा शिवि ने। कवि ने असली मनुष्य किसको माना है? जो संसार को भाईचारे से भाव से बांधता है, जो दूसरे को चिंता करता है, जो दया और परोपकार भाव रखता है, उपरोक्त सभी। सहानुभूति चाहिए, महाभूति यही का क्या भाव है? यानी कि दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। मनुष्य मात्र बंधु है से कविता क्या भाव है? कि हम सब भाई बंधु हैं। फिर कुछ गद्यांश दिए हुए हैं। बड़े बाजारों पर आए मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता है कि मानव स्वतंत्रता मिल गई। मतलब इसमें क्वेश्चन कर रहा है किस बाजार में सभी मकानों को पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो बड़े बाजार में सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था? मानव स्वतंत्रता मिल गई है। शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहे थे? पुलिस। लारियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी? स्वतंत्रता सेनानियों को हौसला प्रस्त करने के लिए। किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी? ट्रैफिक पुलिस को पार्कों और मैदानों में लगाया गया था। बड़े भाई साहब के लेखन निराशा के बादल फटने पर क्या करते थे? खेलने चले जाते थे, झटपट एक टाइम टेबल बना लेते थे, आसमान पर सर उठा लेते थे, पढ़ने बैठ जाते थे। लेखक के टाइम टेबल पर कौन सी मद उड़ जाती थी? इतिहास पढ़ने की, खेलने कूदने की, टहलने की, हिंदी पढ़ने, खेलने कूदने की। लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी? भाई साहब की डांट की, पढ़ाई के बाहर की, आने वाले परीक्षा की, पिताजी उपदेश की, पढ़ाई के बाहर की। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना मांगे कुछ मिल जाना, बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, धन की प्राप्ति होना, अंधा होने का फायदा, बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। धन्यवाद।